कि 52 वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जो है फॉर्म भरे थे। एक हमारा कार्यकर्ता है रवि कुमार मित्तल, और इन्होंने आज नाम वापस लिया है, और मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने पार्टी की रीति नीति को समझते हुए और पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने जो इसकी विड्रॉ करने की जो बात कही और आज अभी फॉर्म सबमिट किया। तो एक पार्टी की मुख्य धारा के साथ रह कर के और काम करने की जो उन्होंने बात कही है, मैं उनको आभार और उनका स्वागत भी करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इनके आज विड्रॉल करने के बाद इस 52 वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और मजबूती मिलेगी और सभी लोग साथ एकजुट होकर के काम करेंगे। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 और 52 में उपचुनाव होने हैं और आज नामांकन लेने की आखिरी डेट थी 26 तारीख 3 बजे तक, और अभी तक एक नामांकन आज वापस लिया गया है, यानी कि अब कुल कैंडिडेट रह जाएंगे 4 और 1 5। वार्ड नंबर 52 में 3 कैंडिडेट रहेंगे और वार्ड नंबर 22 में 2 कैंडिडेट रहेंगे। अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट की पोजीशन क्लियर हो गई है। अनिल वो है, उसने नाम वापस लिया है, निर्दलीय कैंडिडेट है 52 से, अभी जस्ट 2:30 बजे उसने नामांकन वापसी का पर्चा दिया है और अब कंटेस्टिंग 3 कैंडिडेट रहेंगे। कब होगी चुनाव? पोलिंग पार्टी 3 तारीख को जाएगी और चुनाव होंगे 4 को, और 4 को शाम को वापस है पहले ये EVM पोल्ड EVM जमा होगी जवाहर नवा स्कूल में, और 6 तारीख को काउंटिंग होगी प्रातः 8 बजे से लेकर। हाँ, इस बार की सारी एक्टिविटीज़ है जो बाई इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है, ताकि यहीं पे सारी कार्रवाई संपन्न होगी। EVM तैयार होना, प्रशिक्षण होना, पोलिंग पार्टी का डिस्पैच यहीं से होगा और वापस कलेक्शन भी यहीं होगा और काउंटिंग भी यहीं होगा जवाहर स्कूल के बड़े हॉल में।